सस्ते में छूटे आसिफ अली पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जिस पर उठाया था बल्ला, आईसीसी ने उस पर भी जुर्माना ठोका। एशिया कप 2022 के सुपर फोर के मैच के मैदान पर झड़प के कारण पाकिस्तान के आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही खिलाड़ियों को आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। आईसीसी के बयान के मुताबिक अली ने आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.6 का उल्लंघन किया। ये धारा किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अश्लील, आक्रामक या अपमानजनक प्रतिक्रिया से संबंधित है। वहीं फरीद को धारा 2.1.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। ये धारा खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या किसी भी व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क को लेकर है। दोनों खिलाड़ियों पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद के बाद हुए विवाद के लिए जुर्माना लगाया गया है। खिलाड़ियों ने अपनी गलती स्वीकार कर और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया। दोनों खिलाड़ियों को एक एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला। जब ये घटना हुई तब मैच काफी रोमांचक मोड़ पर था। अली 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे और लग रहा था कि वो अफगानिस्तान से मैच छीन लेंगे। अहमद ने तब धीमी बाउंसर फेंकी जिससे अली चकमा खा गए और करीम जन्नत ने शॉर्ट फाइन लेग पर कैच लपका। इसके बाद विकेट लेने के बाद फरीद आसिफ के करीब आकर जश्न मनाने लगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शफीक स्टानिकजई ने आसिफ अली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इससे बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अफगानिस्तान के गेंदबाज को मारने के लिए बल्ला उठा लिया। पाकिस्तान ने अंत में जीत लिया। नसीम शाह बल्लेबाजी के कारण हीरो बने। अंतिम ओवर में 11 रन चाहिए थे और हाथ में केवल एक विकेट था। नसीम ने फजलहक फारूकी के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के लगाए और पाकिस्तान ने 4 गेंद शेष रहते हुए मैच जीत लिया। आईसीसी के इस फैसले पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक भाई ने ट्विटर पर लिखा, केवल जुर्माना ही क्यों ठोका, इन खिलाड़ियों को निलंबित कर देना चाहिए था। अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमी सईदुल्लाह ट्विटर पर लिखते हैं, आसिफ अली को उनकी इस तरह की शर्मनाक हरकत पर निलंबित कर देना चाहिए, या आईसीसी ने ठीक नहीं किया। एक भाई आईसीसी के फैसले से सहमत नजर आए जिस पर उन्होंने लिखा, मैच फी काफी नहीं है, इनको कम से कम 2 गेम्स के लिए निलंबित कर देना चाहिए। सुल्तान नाम की व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, इसमें गलती पूरी तरह से केवल आसिफ अली की ही है। मुकेश मेहता नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, गली के बच्चे ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।